स्नान कर। काकी, आज सवेरे सवेरे कौन आ रहा है तपोवन में? कौन संध्या? कितनी बड़ी और सुंदर दिखने लगी है अब तू। पहले कली थी, अब खिलकर फूल हो गई। जीवन की बगिया में बसंत आ गया है ना? कुलपति जी कहाँ है? पिताजी देखिए वो आ रहे हैं। तपसो ध्योजायता ततो रात्रियो जायतो ततः समुद्रो। कुलपति जी प्रणाम। प्रणाम कुलपति। अरण्यवः अपना अपना पाठ मुखोद्गत करके नित्य नियमानुसार आसपास के अनार्य भाइयों को कृषि और अन्य सुधार की शिक्षा दो। श्रेष्ठ आर्य धर्म उन्हें सिखाओ। स्नेह ही जगत का प्राण है, प्रेम ही जगत का सुख है। ज्ञान ही जगत का प्रकाश है। ज्ञान दान जैसा पवित्र कार्य नहीं। आयुष्मान हो धनुष। राजभवन में सब कुशल मंगल है ना? आपके पुण्य प्रताप से सब सुखी हैं। राजन प्रसन्न चित्त रहते हैं ना? वैसे तो सब आपकी कृपा है। महाराज ने आपको शांति यज्ञ करने का संदेश दिया है। मानव मात्र के उद्धार के लिए शांति यज्ञ का अनुष्ठान हम अवश्य करेंगे, किंतु यज्ञ के समाप्त होने तक आश्रम के आसपास जीव हत्या न होने पाए। आपकी आज्ञा सर्वभार्य है। और एक ही है भाव हमारे। हो
सुखी जीवन हमारा, सुखी जीवन हमारा। हर एक वस्तु यहाँ की, हर एक वस्तु यहाँ की बनी है सुख को हमारे, बनी है सुख को हमारे। ओ प्यारे 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 सपन हमारे, ओ प्यारे 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 सपन हमारे। मनोहर दृश्य यहाँ के, मनोहर दृश्य यहाँ के हमारे मन को लुभाते, हमारे मन को लुभाते। सदा हम नाचते गाते, सदा हम नाचते गाते। यहाँ पर पंख बखेरों, यहाँ पर पंख बखेरों, यहाँ पर पंख बखेरों फूकते सांझ सकारे, फूकते सांझ सकारे। हो प्यारे प्यारे आहा प्यारे प्यारे आहा प्यारे 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 सपन हमारे, हो प्यारे 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 सपन हमारे। हाँ मिलाने वाला श्रीमान रत्न आ रहा है, हटो रास्ता छोड़ो, हटो हटो हटो। अपनी माँ के प्राण तो कंठ में अटक रहे हैं और ये सेवा करते फिर रहे हैं मंत्र बड़बड़ाने वालों की। रत्ना, सेवा के बदले में तेरी माँ को तो मिली बीमारी, अब तुझे क्या मिलेगा? भूदेव के झूठे पत्र और अनदेखे देवताओं पर रचे गए आगड़म बगड़म स्वाहा वाले मंत्रों का पाठ, और क्या मिलेगा? तमाल, केवल पेट का खड्डा भरने के लिए स्वीकारी हुई चाकरी और श्रद्धा और प्रेम से की हुई सेवा, इन दोनों में मूर्ख और ज्ञानी का अंतर है। बिजली, ज्ञान, परोपकार और संवेदना के लिए तत्पर रहने वाले आर्यों की सेवा करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। आर्यों की जूठी पत्तलों में इतना गहन ज्ञान भरा है तो वे स्वयं कितने ज्ञानी होंगे, कैसी शक्ति, कैसा ज्ञान। ज्ञान व्यान हम समझते नहीं, पर हमारी उद्धार की ढोंगरी बातें बहुत बार सुनी है। मुफ्त में चाकर पाने की ये अच्छी चाल है। तमाल, निंदा और बदनामी से बड़ों का बड़प्पन नष्ट नहीं हुआ करता। जो लोग हमें घुलने मिलने के लिए आए हैं सदा हमारे उद्धार के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे धीमानों से द्वेष रखना ये लाचारी से सेवा करने वाला यही कहेगा। भूदेवों के ढोंग और बहकावे में आकर सुख से तुम के तलवे चाट। हम इस भूमि की संतान हैं, इच्छा अनुरूप रहना हमारा अधिकार है। बिजली, एक स्त्री के मुख से ऐसे अपशब्द शोभा नहीं देते। जा जा, राह लगा अपने। आश्रम में शांति यज्ञ होने वाला है, इसलिए आश्रम और उसके आसपास किसी तरह का शिकार न करना, समझे? शिकार न करें तो हम खाएं क्या? ये कुलपति की आज्ञा है, जो न मानेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सजा? हम शिकार करेंगे, हमें यहाँ जीवित रहना है। यज्ञ की इस आग में घी और अनाज डाल के अगर भूदेवों को सूर्य लोग में जगह मिलती हो तो वे भले चले जाएं, हम तो शिकार करेंगे। जीवित रहना कठिन हो जाएगा, आज्ञा न मानी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। परवाह नहीं, हमारी भूमि पर बिन बुलाए आने वालों को तो सब अधिकार हो,
पर हम अपना पेट भरने के लिए मुंह भी न खोलें। वो जाके कुलपति से पूछो। चलो। आज कहते हैं शिकार न करो, कल कहेंगे हाँ में सांस भी न लो। मालिकों की उदारता से बिन बुलाए मेहमानों का लालच हिरन से भी तेज बढ़ रहा है। चलो, मुंह क्या तक रहे हो? कुलपति की गिनती ही क्या है? उसके सूर्य देव भी आकाश से उतर आए तो भी मैं डरने वाली नहीं हूँ। चलो चलो, चलो। जरा पानी लो, लो। गुरुजी के यहाँ फूल दे आया ना बेटा? हाँ माँ। सूरजदेव, ये पूजा के फूल है, स्वीकार करना है ना? मेरे लाल पर करुणा का हाथ रखना दीन बंधु। माँ, दीन बंधु कहलाने वाले सूर्यदेव, हम दीनों पर इतने निष्ठुर क्यों हैं? हमारी पुकार उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंचती माँ? ऐसा नहीं कहा करते बेटा। गुरुजी कहते हैं ना कि सूरजदेव, वरुण देव और इंद्रदेव सब बड़े दयावान हैं, सेवा करो और विश्वास रखो बेटा उन पर। माँ, तुम चुपचाप पड़ी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूँ। ये लो गर्म दूध और एक कंदमूल फल भी। बड़ी रानी बिटिया हो तुम, जुग जुग जियो मेरी लाडली। कहाँ है कुलपति? कहाँ है कुलपति? कहाँ है कुलपति? शिकार न करेंगे तो हम खाएंगे क्या? यज्ञ हम सबकी सुख समृद्धि के लिए हो रहा है, इसके लिए निराहार रहने का यह आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। संयम और सदिच्छा ही मानव मात्र के उद्धार की पार्श्वभूमि है। आते देर नहीं हुई और लगे हाथ पांव फैलाने। चलो, इसका उत्तर मुंह से नहीं, हिरन मार कर मांस खाएंगे हम और चमड़ा दे डालेंगे इस दाढ़ी वाले को। चलो। क्या हुआ तुझे? क्या इससे? इनकी तलवे चाट चाट के पेट भर जाता है ना तेरा। मनुष्य मनुष्य को खा सकता तो सबसे पहले मैं तुझे फाड़ कर खा जाती। बड़ा आनंद होता मुझे। तू जैसे मुदार का मांस खाकर तो उल्टी हो जाएगी। आज शकुन कहाँ है? शकुन, शकुन, शकुन। कहाँ छुपे, कहाँ छुपे वो प्यारे शकुन तो मेरे, कहाँ छुपे वो? आओ शकुन तो मेरे, कहाँ छुपे वो? वो बन के मोरे राजा, वो बन के मोरे राजा, कहाँ छुपे वो, कहाँ छुपे वो प्यारे शकुन तो मेरे, कहाँ छुपे वो? आओ शकुन तो मेरे, कहाँ छुपे वो? भोली भाली सूरतिया है प्यारी, भोली भाली सूरतिया है प्यारी, मोटे मोटे हैं आंखें तुम्हारी, मोटे मोटे हैं आंखें तुम्हारी, कहाँ छुपे
कहाँ छुपे प्यारे शकुंतल मेरे कहाँ छुपे हो हाँ वो शकुंतल मेरे कहाँ छुपे कहीं भी छुपो मैं तुम्हें खोजा मंगाऊंगी कहीं भी छुपो मैं तुम्हें खोजा मंगाऊंगी जान सकोगे तुम्हें पकड़ा बुलाऊंगी जान सकोगे तुम्हें पकड़ा बुलाऊंगी मीठे मीठे फल मैं बीन बीन लाऊंगी हाथों से अपने तुम्हें खिलाऊंगी हाथों से अपने तुम्हें खिलाऊंगी अब न सताओ आओ चले आओ यहाँ छुपे वहाँ छुपे जहाँ छुपे संध्या शकुन 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 क्या फोन नहीं चलती शकुन को गिरा तो नहीं मैं ये पूछता हूँ कि आश्रम का हिरण किसने मारा आश्रम का नहीं जंगल का हिरण था वो जिसके बाहु में बल है वो ही शिकार करके खाएगा ये मैं फिर देखूंगा पहले बताओ आश्रम का हिरण किसने मारा मैंने मारा सैनिको जकड़ लो इसे ठहरो इसलिए नहीं मैंने मारा है हिरण और कल फिर मारूंगी यज्ञ के पूरा होने तक शिकार की मनाही है ढिंडोरा नहीं सुना तूने जरूर सुना है पर ये सब मैं नहीं मानती सैनिको रात होने तक ये सब लोग यहां से चलते बने नहीं तो आग लगा दो इनकी झोपड़ियों को कोई विरोध करे तो मार मार के खा लो दैंड दो आश्रम में यज्ञ होते हुए ये अत्याचार कैसे निभेगा कुलपति के आश्रम में आराम से जुगाली करने वाले जानवरों से भी हमारे प्राणों का मूल्य कम है इन लोगों के बीच में रहने से हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे तमाल चलो यहां से कहीं दूर चलें रत्ना आसपास के सब आश्रमों और ऋषिकुलों में जाकर तुम्हें यह संदेश देना होगा कि यहां शांति यज्ञ हो रहा है इसी पूर्णिमा को पूर्णा होती है सब लोग सम्मिलित होकर यश के भागी बने जो आज्ञा गुरुदेव परंतु हाँ क्या मेरी मां बहुत बीमार है गुरुदेव कृपा करके उसकी देखभाल करते रहिएगा मेरे लौट आने तक सूर्यदेव की इच्छा से यह जगत चलता है वे सबकी देखभाल करते हैं उन पर विश्वास रखे तू अपना कार्य कर जो आज्ञा गुरुदेव पति जी के आदेश से आया हूं उन्होंने कहलवाया है शांति यज्ञ की पूर्ण आहुति इसी पूर्णिमा को होगी आप सब पधार कर यश के भागी बने नहीं बिटिया
मेरे दिन पूछ गए, मरते समय गुरु जी के दर्शन हो जाते तो जन्म सफल हो जाता। मैं अभी जाके पिताजी से करती हुआ रत्ना की माँ आपके अंतिम दर्शनों को तरस रही है। तू इसकी चिंता न कर, जीवन और मरण का चिर संबंध है बेटी। पिताजी, आप जैसे महान ज्ञानी पर सहानुभूति अथवा द्वेष का कोई परिणाम नहीं होगा, पर मरती हुई रत्ना की माँ को आपने दर्शन नहीं दिए। अनार्यों के उद्धार का प्रयत्न करने का ये अर्थ तो नहीं कि हम व्रत नियम आदि सब छोड़कर स्वयं अनार्य बन जाए। रत्ना, गुरुदेव का संदेश सबको पहुंचा दिया। देवी, क्या हुआ देवी? मेरी मां का क्या हाल है? रत्ना, मुझे और अपने गुरुदेव को क्षमा करना। पिताजी व्रतस्थ हैं, वे जा नहीं सके। मैं गई थी, पर रत्ना कोई नहीं था तेरी मां के पास। ऐसी विषम परिस्थिति में तू जा, जल्दी जा। नियम है। हाँ, परंतु मरते समय उसे देखना यह तो आपका कर्तव्य था। शव के पास कोई नहीं, कीड़े रेंग रहे हैं, चींटियों ने सेवा धर्म से पवित्र की हुई देह को खा खा कर खोखला कर दिया है। ज्ञान की उपासना करते करते जो शरीर छोड़ता है वो सीधे सूर्य लोक जाता है। गुरुदेव, उद्धार के लिए आए हुए आप जैसे ज्ञानी अनदेखे देवताओं को पानी और इनाज देते रहे, परंतु मेरी मरती हुई मां के मुंह में एक बूंद पानी भी न टपकाया किसी ने। जो होना था सो हो गया, सूर्यदेव की इच्छा। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं मानता इसे। कुलपति, अवहेलना और उपहास सहकर भी मैंने अपने अपने सेवा धर्म का पालन किया, पर आप अपना कर्तव्य भूल गए। गुरुदेव, संसार की सारी वस्तुएं मानवता के विकास के लिए है, ये आप ही कहते रहे, पर पासी आपकी सेवा करने वाली एक स्त्री सरसर कर मर रही थी, तब भी आप अपने जगह पाठ ठोकते रहे और वो बेचारी मर गई तरफ तरफ कर। शरीर का श्रृंगार या दुर्दशा दोनों एक ही हैं। सेवा कर्म से जीवन बिताने वाली तेरी मां ज्ञानियों के लोक में पहुंच गई।
जा, माँ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके फिर वापस आऊं। चाकरी कर ले, अब ये ना होगा। अब तुम अपने इस उद्धार और विश्व प्रेम के ढोंग को रहने दो। विश्वास रख, विश्वास रख। मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा सब पर पानी फिरा दिया तुमने। मैं तुम्हारे काम के लिए द्वार द्वार भटकता रहा और मेरी मरना की तरफ तरफ कर इस पर भी मुझे उपदेश दे रहा है। रत्ना, तू क्रोध करके चला गया, पर क्रोध के बदले सद्भाव का साज तुझे कहीं अच्छा सुहाता। द्वेष को छोड़ के मनवा, राग द्वेष को छोड़ के मनवा, ज्ञान की ज्योत जगाने मनवा, ज्ञान की ज्योत जगाने। परमात्मा में खो जा, परमात्मा में
भूदेवों के कहे हुए पाप की तरह तू ही हमारे पीछे पड़ा है। फेर फेंक दे पानी में। किसे? तुझे या इन्हें? ले, तेरी नाक काट के तेरे राजा वाजा की परवाना करती हुई ले जाऊंगी ये शिकार। तो फिर तुझे राज्य अधिकारी के पास ले जाना पड़ेगा मुझे। और क्या कर सकता है तू? पहले भूदेवों का जूठन चाट के अपनी माँ को मार डाला, अब राजा के जूते पोंछ के अपने भाई बंदों को जला डाल। तू जैसा निर्लज्ज इससे ज्यादा और कर ही क्या सकता है? छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़। और फिर कभी इन गंदे हाथों से मुझे छुआ तो गला चबा के रख चूस लूंगी तेरा। ले जा मुझे कहां ले चलता है। क्या है? अपराधी को राज्याधिकारी के पास ले जाना है। कौन है ये? संरक्षित वन की नदी में इसने मछलियां पकड़ी हैं। इतनी सी बात और इसी के लिए हमें कष्ट दिया? चल जा, काम कर अपना मूर्ख कहीं का। मैं तो समझती थी कि तुझे राज सिंहासन पर बिठाएगा, पर इसने तो तुझे ठोकर से उड़ा दिया। अच्छा अवतार मिला। मैंने जानता था कि तुझे भी चाहिए पुरस्कार। सेवक ले जाओ इसे और लगवा दो पीठ पर 5 कोड़े। तुम ही तो कहते हो जहां नारियों का सत्कार होता है वहां देवता रहते हैं। ये भी तो नारी है, ऐसा ही सत्कार होगा इसका? इतना कठोर दंड। तू चुप रहे, इनके दंड से तेरी सहानुभूति मुझे ज्यादा खलती है। कुत्ता क्या मदद करेगा शेरनी की? हमारे लिए आर्यों के हृदय में कितनी ममता, कितनी उद्धार की भावना है, ये सब दिखा दो। ले चलो मुझे। अब क्या चाहिए? उसकी पीठ पर कोड़े लगवाए।
और कहते हो कि स्त्री अबद्ध है, देवी है, पूज्य है, उसकी खाल उधेड़ कर रक्त की धार बहा दी, इसी का नाम है उद्धार। धर्म, ज्ञान और कृषि कर्म का प्रसार करके हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं आप, ये हुआ हमारा उद्धार। तेरा उद्धार रह गया है, एक दस्यु आकर आर्यों को आज्ञा दे, ये समय अभी बहुत दूर है। सेवकों का जीवन मालिकों की सेवा करने के लिए है, उन पर भोंकने के लिए नहीं। तो ऐसी नीच चाकरी को ठुकराकर सारे आर्यवर्त को ललकारते हुए आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि देव धर्म और ज्ञान का ढोंग रचकर दूसरों को नीच समझने वाले भूदेवों के साथ ही शस्त्र विद्या पर उन्मत्त बने हुए इन क्षत्रियों को भी दासों का दास बनाने तक ये रत्न अपने दोनों हाथों से आग और मौत सारे आर्यवर्त में फैला देगा। आने आए
जाति परवार करो हो, उनके जाति परवार करो, दीनों पीछे पड़ी है। वैसे वो मेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं तो उसके पीछे पड़ी हूँ। ऐसे पुरुष के पीछे न पड़ूं तो क्या तेरे तिनके के समान मेरी वो आशा हवा में उड़ गई। बता ना रत्ना कहाँ है? होगा कहीं किसी आश्रम को सुलगाता या किसी आर्य कन्या को फूल चढ़ाता। खबरदार, लड़कियों का रूप देखकर राह टपकाने वाला वो तमाल नहीं है। ऐसी वैसी बातों के लिए उसे अवकाश कहाँ। फिर भी तेरे साथ मीठी मीठी बातें करने को समय मिल ही जाता है उसे। कर्म फोड़ अपना, मैं रत्ना की और रत्ना मेरा। तो फिर आर्यों की तरह यज्ञ होम करके ब्याह रचा लो ना। यूं तो सिंह सिंहनी का ब्याह उनकी इच्छा से ही होता है, पर मन बहलाने के लिए आश्रम के होम कुंड के सामने उसी दाढ़ी वाले को साक्षी बनाकर हम ब्याह रचाएंगे। तमाल, सच कहूं बड़े रत्ना के साथ साथ छोटे रत्ना को गोद में लेकर तमाला जितना उदास क्यों है? मेरा ब्याह होने वाला है ना। अच्छा, किसके साथ? मैं भी आऊंगा ब्याह में। दांत तोड़ दूंगी जो ऐसी बातें। हाँ हाँ हाँ। बिजली बनी है रत्ना के लिए। अच्छा, तुझे तो मेरा मांस खाकर उल्टी होती थी ना, अब क्या हुआ? प्रेम के रस ने वो सब पचा दिया। रत्ना, कल हमें जाना है। कहाँ? कुलपति के यहाँ। कुलपति के यहाँ? बदरिया बदरिया आज सखी फूलों
काकी? कुछ रूठी हुई दिखती है गिरा काकी। हाँ रूठी हूँ मैं कुलपति जी से। उन्होंने सारे संसार को आर्य बनाने की ठानी है और तूने भी। मैंने भी यही ठान ली है, इसीलिए ब्याह नहीं करती तू। ब्याह करने से काम नहीं होता, ब्रह्मचारी ही बने रहे सारे, कुछ आठ दस बच्चे बच्चे। ओ, तो तुम्हें मेरे बच्चे खिलाने का चाव है। सचमुच कितनी जल्द बढ़ती हैं लड़कियां। कितनी बड़ी हो गई तू। ये सूर्य देव की इच्छा है, पर मेरी इच्छा तो ये है कि आपका कार्य पूरा होने तक मैं आपकी सेवा ही करती रहूं। स्वार्थ का आरोप सहन करके भी मैं कहूंगा हाँ, ज्ञान देना ये पवित्र कार्य है, इसके लिए तू और मैं ही क्या, हजारों लाखों आर्यों को अपने सुख का भोग करना होगा। ये मानती हूँ पिताजी। अंदर जाके देख। जान पड़ता है शूरवीर आर्य सब भाग गए। क्यों? वहां तो कोई नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा बैठा है। तुम्हें क्या चाहिए? तू। मैं तो तुम्हारा ही हूँ। धूप में बाल सफेद नहीं किए तूने। उठ चल हमारे साथ। मेरा जन्म दूसरों की इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं हुआ, मेरा जीवन मेरा कार्य निश्चित है। तुम जाओ। किस पर हुक्म चला रहा है तू? दाढ़ी पकड़कर घसीटती हुई ले जाऊंगी तुझे। आंखें खोलकर देख मेरी तरफ, मैं कौन हूं पहचाना? पहचाना। अब जाओ। चलो उठ, मैं ये नहीं चाहती कि तू मर जाए। मेरे जीवन की सांसें व्यर्थ चिल्लाने के लिए नहीं है, तुझ पर क्रोध करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं। जा बेटी, मुझे अपना कार्य करने दे। लगा दो आग। आश्रम के साथ इसके धूम धतरे को भी जलाकर साफ कर दो। यज्ञ देवता, अनार्यों के हृदय में भरा हुआ ये अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। टपर मत कर बिजली।
जीवित मनुष्य को आग में जलाना। तमाल, तमाल, उस आश्रम में एक लड़की भी थी, तुझे विश्वास है? उस समय कुलपति के पास कोई दूसरा न था, कहीं वो लड़की तो? हाँ थी, अंदर ही थी वो लड़की, हाथ में कमल के फूल लेकर कह रहे थी, कहाँ है मेरा रत्ना, कहाँ है मेरा रत्ना। तो वो भी झुलस गई, वो भी उन फूलों के साथ। बिजली, बिजली, सच बता बिजली, सच मुझ वो मर गई, जल गई, राख हो गई उसकी। सच बता, सच मर गई हूँ, चल ले मेरी जान, ले मार दे। छोड़ दो, और कोई नहीं था आश्रम में। कुलपति की लड़की गोरी चिट्टी, रत्ना रत्ना पुकार रही थी, तू उसे प्रेम करता था ना? जब तक तन में जान है मुझे लड़ना है, आर्यों का विनाश करना है, क्षत्रियों के अभिमान को पैरों तले कुचलना है, पर वो लड़की फूल के समान कोमल और सुंदर थी, वासना के एक हल्के से झकोरे से मुरझा जाने वाली थी। और मैं? तू मेरे समान दृढ़ है। ना मैं तुझे रत्ना, मैं कितनी बुरी हूं। अच्छी है तू भी। अभिवादन करता हूं कुलपति जी। राज प्रतिनिधि आए हैं पिताजी, आप ठीक समय पर यहां न पहुंचते तो न जाने पिताजी की क्या दशा होती। हमारे आहो भाग्य, हम तो उस डाकू की खोज में इधर आए थे, पता चला है कि वो यहीं कहीं किसी गुहा में रहता है। आंखें जल गई, चलो अच्छा ही हुआ, बाहर की आंखें फूटी और उनके साथ इधर उधर भटकने वाले विचार अंतकरण में स्थिर हो गए। आप आराम कीजिए पिताजी, अभी लाती हूँ पिताजी। सूर्य देख, कुलपति जैसे परोपकारी सज्जन महापुरुष की ये दुरावस्था, कुलपति जी को जीवित जलाने की क्रूरता। मंदार, जैसे भी बने आज उस राक्षस को घेर लो, आज मैं उसे न छोड़ूंगा। रत्ना, मनुष्यत्व भूल कर पत्थर बनने का व्यर्थ प्रयत्न तो क्यों कर रहा है? क्रोध, प्रतिकार और हत्या के बदले मैं तुझे क्षमा, शांति और प्रेम की अपार शक्ति दिखाती। रत्ना, तू चिल्लाने में वीरता मानता होगा, पर श्रेष्ठता तो शांत रहने में ही है। रत्ना, रत्ना, रत्ना,
छोड़ो तुम पर। यह है तुम्हारी शस्त्र विद्या, यह है तुम्हारी धर्म नीति। वो सब मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं। बटमारा लुटेरों के साथ वीर योद्धाओं का बर्ताव नहीं किया जाता। रत्ना, रत्ना, दूहट, तेरे कारण जो सहानुभूति मेरे हृदय में नारियों के लिए बच रही थी, वो आज इन नीचों के कपट से जलकर राख हो गई। इसे न ले जाओ, ये कुलपति जी का प्रिय शिष्य है। आर्य अनार्यों को एक करने वाली एक प्रचंड शक्ति है, छोड़ दो इसे। मेरे लिए भीख न मांग, मैं आर्यों में मिलना नहीं चाहता। ऐसी झूठी ठोंगी विश्वासघात की जाति में मिलने से पहले मैं स्वयं अपने आप को भस्म कर डालूंगा। चलो ले चलो, मुझे कहां ले चलना चाहते हो? रत्ना, रत्ना, मैं इसे लेकर राजधानी जाता हूं, तुम इसके साथियों का नाश करके वापस आओ। यही है रत्ना का डेरा? हाँ, क्यों? तू कौन होती है रत्ना की? दादी। तू कोई भी क्यों ना हो, पर एक दुर्घटना हो गई है। रत्ना को राजदूत पकड़ ले गए। पकड़ ले गए? कब, कहाँ, तूने कैसे जाना? ये सब फिर पूछना, पहले मेरे रत्ना को छुड़ाओ। तेरा रत्ना? जबान खींच लूंगी। मेरा रत्ना? इतने क्यों बिगड़ रही है? मेरा रत्ना कहा तो क्या हो गया? तमाल, सुना तूने, रत्ना इसका है, तो फिर जाके छुड़ाती क्यों नहीं उसे? हम में से कोई नहीं जाएगा। तुम लोग जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या होगा, जाने दे, मरने दे उसे। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। इसका प्रेम है उस पर। बहन, अपने पति से बढ़कर संसार में और क्या है? पर तू है ना जादूगरनी, बीच में आग लगाने वाली। तू मेरे रत्ना की पत्नी है ना, अपने पति की बहन को इतनी क्रोध भरी दृष्टि से न देख। बहन, तमाल, कहां जाएंगे वो नीच मेरे रत्ना को लेकर? पहले रत्ना को छुड़ा। क्या हुआ बेटी, तू अभी तक सोई नहीं? अब सो जाऊंगी, आपके चरणों के समीप। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सूर्य देव से मांगो बेटी। रत्ना का उद्धार अवश्य होगा, सारा संसार आगे बनेगा। पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी, सोते हो,
संध्या, 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 एक क्षण के लिए मैं देखना चाहता हूं मेरी आंखें। बेटी, आप तो जान गई होगी कि सूर्यदेव ने मेरी आंखें पहले ही क्यों भर ली। इस दुखमय संसार में शांति और प्रेम का अखंड राज्य स्थापित करने के लिए अब भी तुझ जैसे हजारों लाखों जीवों को बलि चढ़ना होगा। जगत के प्रत्येक महान कार्य की नींव मेरी संध्या के समान त्यागी कर्म मार्गी के बलिदान से डाली जाती है। तो हे सूर्यदेव, इस आत्माहुति से अनार्यों के उद्धार का उषाकाल हो। कौन है? मैं हूं राज प्रतिनिधि मंदार। मैं हूं रत्न जैसा, और है कौन? रत्न डाकू लुटेरा। लुटेरा मैं या तू? हमें नीच बताकर अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले अथू किए। चल गया, राजाओं और भूदेवों के सरों का पहाड़ लगा दूंगा मैं। रानी धीरे धीरे चलो न कमर गल खा, न नजर लग जा, थोड़े राजा जी को आवे गो प्रथम ललना। सहेली 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 जाओ जाओ री सहेली कोई फूल रे मंगाओ, जाओ जाओ री सहेली कोई फूल रे मंगाओ, नहीं देर अब लगाओ, नहीं देर अब लगाओ। हमो गुथे गुथे डाले हो द्वार पलना, हमो गुथे गुथे डाले हो द्वार पलना। मोरे राजा जी को, हमरे राजा जी को, हमोरे राजा जी को आवे गो प्रथम ललना। मोरे राजा जी को आवे गो प्रथम ललना। रानी अखियों में काजर की
डालो ना लकी गानी अखियों में काजल रखे डालो ना लकी हमरे भोले भाले राजा पे चल आवो नाही तीर हमरे भोले भाले राजा पे चल आवो नाही तीर छोड़ो ना सता छोड़ो ना सता हमें दिए लाजीर हमें दिए लाजीर हमें खुशी न सुहावे हमें हिट दे में पीर हमें हिट दे में पीर छोड़ो छोड़ो दिना नखिया हमें चलना छोड़ो छोड़ो दिना नखिया हमें चलना मोरे राजा जी को हमरे राजा जी को मोरे राजा जी को आवे गो प्रथम ललना मोरे राजा जी को आवे गो प्रथम ललना धन्य हूं परंतु प्रत्येक मनुष्य यहां कर्तव्य के लिए ही आता है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ही मैं रत्ना के पास जा रहा हूं नहीं नहीं कुलपति जी आर्यों की खोपड़ियों से घड़े भर रखे हैं रत्ना ने होंगे रत्ना के लिए ही सूर्यदेव ने मुझे आज तक रत्ना के हाथों से बचाया है कुलपति जी आप हमें छोड़कर कहाँ जाती हूँ मैं आपको पिता मानती हूँ सूर्यदेव और सत्कार्य के सामर्थ्य पर विश्वास रखो परंतु कुलपति जी व्यर्थ में दुखी होना दुर्बलता है उचित समय प्राप्त होने पर भी निष्क्रिय रहने वाले को अंत में पश्चाताप करना पड़ता है मैं जाता हूं जय सूर्यदेव
क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, न जाने अभी क्या होने वाला है। पर हुआ क्या? हुआ क्या? आर्य मर गए, फिर भी उनके गहने, कपड़े, शस्त्र और ढंग चारों ओर प्रत्यक्ष नाच रहे हैं। अपनी ही तरफ देख, कहां गया तेरा वो शेरनी की तरह गरजना बिजली? कहां गई तेरी वो चमक? अब मैं वो पहले की बिजली नहीं, मैं तो अपने रत्ना की रानी और फिर बच्चे की मां हूं। तू और मेरा बच्चा, बस यही है मेरा संसार। और वो हमारी प्रतिज्ञा? वो तो कभी की पूरी हो गई। आर्यों का नाम जड़मूल से मिट गया। नाम तो मिट गया, पर उनके दिए हुए तुष्ट उपदेश हवा की तरह सारे संसार में अभी तक फैले हुए हैं। रक्त की नदियां बहा दी, सर काट काट कर खोपड़ियों के ढेर का पहाड़ खड़ा कर दिया मैंने, फिर भी अभी तक ये कमल के फूल इस पत्थर पर कहां से आए? किसने रख दिए? बच्चे ने रख दिए। बच्चे ने रख दिए? तेरा ही तो बच्चा है। कभी तू भी तो ऐसे कमल के फूल कुलपति के आश्रम के सामने वाले पत्थर पर रखता था। रखता था, रखता था। कुलपति, कुलपति, कुलपति। प्रेम से प्रेम बढ़ता है और ज्ञान से मनुष्यता। खाना पीना और मरना, जिस हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो भी न देते। स्नेह ही जगत का प्राण है, प्रेम ही जगत का सुख है और ज्ञान ही जगत का प्रकाश। आर्यों की खोपड़ियों के ढेर में क्या कुलपति के खोपड़ी को जगह न मिली? रत्ना को जान पड़ेगा तो? तो क्या होगा? रत्ना की नाक काट के कुलपति वो पेड़ के पास बैठ के लोगों को उपदेश दे रहा है। रत्ना उसके सामने जा नहीं सकता। मारने की बात तो रहने दो। कहां सुनते हो ये सब बातें? वही कुलपति से। परंतु रत्ना ने सुन लिया तो? तो क्या होगा? रत्ना ने आज तक कुलपति को जीने कैसे दिया? सच है, रत्ना ने सब आर्यों को तो मारा, पर कुलपति को मारने का साहस उसे न हुआ। कुलपति मरेगा, परंतु मरने से पहले ये बूढ़ा रत्ना के घमंड के घड़े फोड़कर ही मरेगा। रत्ना उसे मार नहीं सकता। रत्ना तुझे मार नहीं सकता? रत्ना, तेरी सेवा, तेरे तप और ज्ञान से सारा आर्यावर्त प्रकाशमान देखे बिना मैं इन फूटी हुई आंखों को कैसे मूंद लूं? 20 बरस से यही सुनता रहा हूं, अब कोई नई धुन लाप। अनार्यों के उद्धार के ध्वजा तेरे समर्थ हाथों में देना, यही मेरी धुन है। बस मुंह बंद कर। ये बंद रहता नहीं, अंतकरण में प्रकटी हुई भावना है, भार आते आते शब्द का रूप लेती है। ये शब्द नहीं, हृदय मंथन की गूंज है। मैं कहता हूं बंद कर अपना मुंह, नहीं तो जान ले लेगा। ले, पर रत्ना, पृथ्वी पर पड़े हुए इस वृद्ध शरीर से प्राण निकलते समय भी मैं यही कहूंगा, रत्ना का उद्धार। बक बक बंद कर, क्रोधवश न हो। हंसता है तू? तेरे भविष्य का उषाकाल मैं इन फूटी हुई आंखों से भी देख रहा हूं। चुप रह। नहीं नहीं, उदयाचल पर आरोहण करते हुए सूर्य देव को साक्षी रखकर रत्ना मैं कहता हूं तेरा उद्धार काल समीप आ गया है। मुंह बंद कर।
बंद कर मुंह, मखस मखस माधव मखस 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 जाग मूढ़ पापी हत्यारे मौत नगारा बाजे कौन सहायक है अब तेरा पल सीस जागारा बाजे जाग मूढ़ पापी हत्यारे मौत नगारा बाजे कौन सहायक अब है तेरा कौन सहायक अब है तेरा काल शीश पर गाजे काल शीश पर गाजे हरा पाप घट अब छलकेगा हरा पाप घट अब छलकेगा रोम रोम अग्नि प्रगटेगा रोम रोम अग्नि प्रगटेगा जिनके तूने प्राण लिए हैं जिनके तूने प्राण लिए हैं ये है उनका शाप ये है उनका शाप अस्तित्वहीन देवता के नाम पर रोने वाले भेड़िए छिपता क्यों है छिपता कौन है तुझे देखने वाली दृष्टि नहीं मिली तो मैं क्या करूं कौन है तू आर्य 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 सामने आ पहचाना मुझे मैंने 22 वर्ष तेरे जैसे आर्यों को पहचानने में बिताए हैं फिर भी पत्थर का पत्थर रहा बोल आज तक ये राक्षसी हत्याएं क्यों करता आ रहा है ये सब तूने क्यों किया पूछते लज्जा नहीं आती तुझे मां का बदला लेने के लिए लोगों की जानें ली तूने आग लगा दी तूने फिर भी मरी हुई मां तो जीवित ना हुई तुझ जैसे आर्यों को नीचता का प्रायश्चित कराने के लिए ऊंच नीच का जो भेद तुमने निर्माण किया था उस भ्रम को मिटाने के लिए विषमता तेरे या नहीं विषमता का भेद परिशु से नहीं प्रेम से मिटता है एक मूर्ख राज्य अधिकारी के अत्याचार का कलंक तू समस्त आर्य जाति को लगाना चाहता है तू आर्यों को अधम कहता है पर याद रख आर्य संध्या ने तेरे लिए बलिदान दिया आर्य कुलपति ने तेरे उद्धार के लिए आर्य अनार्यों को एक करने के लिए प्राण दिए उन्हें तू दुष्ट कहता है कृतज्ञ दुष्ट तो है तू और मूर्ख तो है ही आगे एक शब्द भी बोला तो सर धड़ से अलग कर दूंगा धमकाता क्यों है करके देख तेरे मारे हुए आर्यों की आत्मा का तेज सारे संसार में फैला हुआ है आर्यों की श्रेष्ठता के विनाश का स्वप्न देखने वाले मूर्ख तेरा प्रत्येक शब्द तेरा हरेक विचार आर्यों के ज्ञान की बिगड़ी हुई जूठन पार्थिव शरीर से किए हुए पाप या पुण्य पुनर्जन्म में अच्छाई या बुराई के साधन है अपने अधम पापों की बड़ाई हांकने वाले मुंह फैलाकर खड़े हुए ये तेरे साथी क्या प्राश्चित में भी हिस्सा बटाने के लिए तैयार है क्यों नहीं मैंने जो कुछ किया इन लोगों के लिए किया ये मेरे सहभागी है सहचर है लाओ ने मेरे सामने प्रत्येक घोर पाप के साथ शरीर के रोम रोम में गरम गरम सुइयां चुभा दे विकराल आरे से सर से लेकर पांव तक चीर के शरीर के दो टुकड़े कर दे तेल की उबलती हुई कढ़ाई में धधकते हुए ज्वाला के समुद्र में अधर से टपका दे देखा केवल यातना की कल्पना से ही डरकर तेरे साथी भाग गए और तेरी पत्नी भी उसका नाम मत ले
वो मेरी अर्धांगी है, मेरी प्रेरणा है, मेरी शक्ति है। जा पूछा अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से, अपनी अर्धांगिनी से और मिटा ले अपना संदेह। मां की मृत्यु देखकर मेरी बुद्धि ठिकाने न रही, मैं मनुष्य था, यह मेरा दोष। क्षत्रियों का अत्याचार न सहकर मैं उत्तेजित हो गया, यह मेरा अपराध। जगत से ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रयत्न मैंने किया, यह मेरा पाप। व्यर्थ में बड़बड़ाने का नाम ज्ञान नहीं। मूर्ख प्रतिज्ञा के लिए हत्याएं करना कर्तव्य पालन नहीं। मां की मृत्यु से बुद्धि ठिकाने ना रही, ये मानवता। अत्याचार से चिढ़ गया, ये अच्छा। विषमता तू सहन ना कर सका, ये भी ठीक। पर मूर्ख उसके बाद अपने ध्येय सिद्धि का मार्ग कहां भूला। मां की मृत्यु से धर्म को डुबा दूंगा, विषमता मिटाने के लिए सबको दास बनाऊंगा। ऐसे दहक नाशक और दुष्ट निश्चय के बदले सबको धर्मोपदेश दूंगा और दासों को भी देवों का देव बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की तूने? यदि मैंने ऐसा किया होता तो तेरे पुण्य के प्रताप से पृथ्वी पर आनंद और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता। क्रांति चाहिए पर सद्भावना से, धर्म से, पवित्रता से। ये आर्यों का ज्ञान था, कुलपति का प्रयत्न था, संध्या के बलिदान का ये अर्थ था। अब आया तेरी समझ में? निर्बल की तरह नहीं, एक वीर की तरह सारे पापों का बोझ अपने सर पर लाद कर मैं पूछता हूं, अब मैं क्या करूं? मेरा उद्धार अवश्य होगा। जिस उत्साह और साहस के बल पर तूने ये पाप के साथ घड़े भरे हैं, उसी उत्साह और साहस के आधार पर तेरा उद्धार भी होगा। अपने गुरु का ध्यान करके भगवान की उपासना कर। मगर कैसे, ये तो मैं भूल गया। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं साहस से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से सब कुछ करूंगा। मुझे मंत्र की दीक्षा दीजिए गुरुदेव। आत्मोद्धार का एक ही साधन है, पश्चाताप, शुद्धता और तप। आओ बैठो। ये तुम्हारा फरसा, जब तक इसके पेट में हरे भरे पत्ते न फूट निकले तब तक जप और तप में लगे रहो, यही तुम्हारी आत्मशुद्धि का प्रमाण। कैसा जप करूं गुरुदेव? जो तुमसे बने। मुझे तो केवल मरा मरा कहीं जप आता है। हृदय की तड़पती हुई इच्छा से
जो कुछ भी मुंह में आए उसे कहो। इन्हीं यक्षों में वेदों की पवित्रता और भगवान की शक्ति समाई हुई है। मरा मरा ही जपो। हो जाते हैं शुद्ध विचार, हो जाते हैं शुद्ध विचार। मुझे आज ये भास हुआ है अब होगा रामावतार। अवधपुरी में प्रगटेंगे दशरथ नंदन कहलाएंगे, दशरथ नंदन कहलाएंगे। पूर्ण करवाने मुनि का तप भूमि में जाएंगे, यज्ञ पूर्ण करवाने मुनि का तप भूमि में जाएंगे। अहिल्या का उद्धार करेंगे, अहिल्या का उद्धार करेंगे। दैत्यों का नाम मिटाएंगे, दैत्यों का नाम मिटाएंगे। विश्वमित्र के साथ जनकपुर धनुष तोड़ने जाएंगे, विश्वमित्र के साथ जनकपुर धनुष तोड़ने जाएंगे। राम नाम का परिचय देंगे परशुराम का गर्व जुगार, राम नाम का परिचय देंगे परशुराम का गर्व जुगार। मुझे आज ये भास हुआ है अब होगा रामावतार, मुझे आज ये भास हुआ है अब होगा रामावतार। राज तिलक के समय राम सीता लक्ष्मण बन जाएंगे, राज तिलक के समय राम सीता लक्ष्मण बन जाएंगे। दशरथ आज्ञा शीश चढ़ा सुख महलों का ठुकराएंगे, दशरथ आज्ञा शीश चढ़ा सुख महलों का ठुकराएंगे।
रावण साधु बन आएगा, रावण साधु बन आएगा, सीता को हर ले जाएगा, सीता को हर ले जाएगा। पवन पुत्र सीता सुध को आएंगे, पवन पुत्र सीता सुध को आएंगे। सीता सुधिपा लंका में आग लगाएगा, लंका में आग लगाएगा। सोने की लंका सुलगेगी, सोने की लंका सुलगेगी, घर घर में होगी चीख पुकार, घर घर में होगी चीख पुकार। मुझे आज ये भास हुआ है अब होगा रामावतार, मुझे आज ये भास हुआ है अब होगा रामावतार। रावण को संहार प्रभु फिर अवधपुरी में आएंगे, पुष्प विमान में बैठ प्रभु फिर अवधपुरी में आएंगे। अवधपुरी के नर नारी मंगल त्योहार मनाएंगे, अवधपुरी के नर नारी मंगल त्योहार मनाएंगे। गूंज उठेगी सकल विश्व में एक बार फिर जय जयकार, गूंज उठेगी सकल विश्व में एक बार फिर जय जयकार। राम 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 सीता राम राम राम।